क्या ये सच है धर्मेंद्र मलिक जी? क्या ये सच है धर्मेंद्र मलिक जी? नहीं देखिए, मैं अंजना जी एक बात कह रहे, यूपीए के टाइम में किसानों को नाराजगी नहीं थी, एमएसपी ज्यादा मिलती थी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नाराजगी की तो बात यह है कि एमएसपी पे किसानों को ना पहले खरीदा जाता था ना आज। वो आपके पास डाटा है, इस देश में 6 से 7% लाभार्थी हैं और कुछ फसलों में 12%, दो फसलें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अंजना जी कि देखिए, सरकार तो किसी की भी हो उतना ही खरीदेगी जितना उसको खरीद करनी है। वो पीडीएस के लिए खरीद करती है, जितनी आवश्यकता होगी उतना खरीदेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि एमएसपी जो है वो निजी और सरकारी खरीद पे लागू हो। बस 30 सेकंड में राजीव जी को एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ। देखिए राजीव जी, आप बहुत होशियार आदमी हैं, बहुत पहले से हम देखते हैं आपको। आर्थिक सुधारों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप बिहार से आते हैं, आपके यहाँ 15 साल पहले वो आर्थिक सुधार कृषि में हो चुके हैं। क्या किसान बिहार का कहता आया ये मैपी? मैंने तो एक किसान को कहते हुए नहीं सुना। ये जो आर्थिक सुधार की बात होती है, ये कृषि क्षेत्र पे लागू हो ही नहीं सकती। किसी भी देश की कृषि व्यवस्था सरकारी खजाने का मुंह खोले बिना चल नहीं सकती। ये आर्थिक सुधार यूरोपियन यूनियन, यूरोप और तमाम जगह जहां हुए हैं पिछले 20 साल में, वहां पे 1 लाख से ज्यादा किसान भ्रष्ट हुए। त्यागी जी, त्यागी जी जल्दी से, इसके बाद फौजिया जी बोलो। त्यागी जी, धर्मेंद्र जी, मैं तो आपके इलाके का भी हूँ और रूड़ी जी के यहाँ से भी राज्यसभा में आया हूँ। एक भी किसान ने बिहार में आत्महत्या नहीं की है, एक भी नहीं। आपका भी हूँ, रूड़ी जी का नहीं। त्यागी जी, वो बात अलग है, मैं वो बात कैमरे पे नहीं कहना चाहता। वो स्थिति क्या है, लेकिन बिहार के किसान की एनएसएसओ का जो डाटा है, सबसे डाउन पे है आमदनी 4,000 रुपए, और पंजाब का किसान कमाता है 14,000 रुपए। ये डिफरेंस तो है ना, एमएसपी का डिफरेंस ही है। बिहार में मिलता नहीं है, पंजाब में मिलता है। ठीक है, जवाब सुनिए। कर्जे की स्थिति ये है, कर्जे की स्थिति ये है कि बिहार, जो देश भर का आंकड़ा है उसमें बिहार के किसान पर सबसे कम कर्जा है। नंबर 3, नालंदा के एक किसान को दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने का, धान पैदा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का अधिकार है। और मैं जो हमारे मित्र अमर सिंह जी कह रहे थे, अमर सिंह जी, जो खुली अर्थव्यवस्था है, बाजार के हाथ में सारी चीज दे दो, ये तो 1991 में आपने शुरू की है, ये सरकार तो फॉलो कर रही है उसको। ये प्राइवेटाइजेशन आपने तो जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दिया, जिसने 1957 में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए बिल लाए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो उसका नाश कर दिया एकदम उल्टा, जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे। प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आपसे शुरू हुआ, ये जो लिबरलाइजेशन है वो आपने शुरू किया, पीपीपी मॉडल आपने शुरू किया, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी वो बिकनी आपके टाइम पे शुरू हुई, और उसमें जो मुनाफे के उपक्रम थे वो भी आपके समय में बिके। मैं ठीक रूड़ी जी, आपको भी एक सेकंड में एक निवेदन करना चाहता हूं, बजट में राशि बढ़ी है, बहुत अच्छा हुआ है, एमएसपी के दाम बढ़े हैं, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एमएसपी 10% से ज्यादा किसान को नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। ये भी हमें महसूस करना चाहिए, फौजिया जी को जो 90% किसान है, कमी है सर, उसकी तो दाम कोड़ियों का दाम दिख रहा है। जी सर, फौजिया जी। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ जो अभी चर्चा हो रही है, मुझे ऐसा लगता है किसानों को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, शुरू से भी किया है, आज भी किया जा रहा है। जब ये कहा जा रहा है कि किसानों को बहकाया जा रहा है, तो क्या किसानों को अपनी सोचने का की क्षमता उनमें नहीं है? क्या सारा ज्ञान, सारी अकल, सारी समझदारी ईश्वर ने एक ही तरफ दे दी है कि किसान छोटे बच्चों की तरह बहक जाएंगे? वो किसान जिन्होंने लोकतंत्र को जिंदा किया है, लोकतंत्र की जीत लाके दिखाई है, उन पर पानी डाला गया, उन पर रोड खोद दिए गए, बैरिकेड्स कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन किसान डटे रहे सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, डेंगू में, कोविड में, और अंत में उन्होंने ये दिखाया कि पीसफुली लोकतंत्र की जीत होती है। लेकिन आज सभागृह में क्या हो रहा है? लोकतंत्र को कमजोर करने का काम हो रहा है। लोकतंत्र को कमजोर किस तरह किया जा रहा है? पिछले सत्र में संसद के 7 मिनट में एक विधेयक पास हुआ था ऑन एन एवरेज, चर्चा ही नहीं की जा रही है। आपने अंजना जी जो आंकड़े दिए हैं स्टैंडिंग कमिटी को भेजे जाने के बिल्स के,
वो खुद आंकड़े ऐसे हैं कि जो पूरी कहानी बयान करती है कि संसद के अंदर डिस्कशन ना करके हम अपनी जोर जबरदस्ती से, अगर सरकार सरकार कोई किंग तो नहीं है, बादशाह तो नहीं है, ठीक है आप दो लाइन में राजीव जी अंत में आपका जवाब, सिर्फ दो लाइन। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात सच है कि किसानों के प्रति चिंता होती है, और 2008 का मैं स्मरण कराना चाहूंगा जब 27 फरवरी को पूरे 50,000 किसानों ने आकर के दिल्ली का घेराव किया था, उस समय शरद पवार साहब यहाँ मंत्री थे, तो किसान का मुद्दा तो हमेशा बना रहा था। और रागी जी के इस बात से मैं सहमत हूँ कि एमएसपी नहीं मिलता है, ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, अलग अलग सरकारें अपने अपने ढंग से एमएसपी सुनिश्चित करें, और केंद्र की सरकार जो प्रिकॉशन, वक्त की कमी है इसलिए आपको बीच में टोक रही हूं, ये बहस अनंत है, लेकिन एमएसपी के मुद्दे पर किसान डटे हुए हैं अभी भी, और रास्ता सरकार को ही निकालना पड़ेगा। बहरहाल संसद के शीतकालीन सत्र में आज पहले दिन जो बवाल मचा था इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज।